कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान में, कक्षा 12 के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दृष्टकारी क्या होता है? पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? तो ये आपका क्वेश्चन आता है कि एक पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन है, अब इसको उत्तर लिखना है। उत्तर के लिए आपको एक हेडिंग डालनी पड़ेगी, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, ठीक है? उपयोग लिख सकते हो या प्रयोग, पीएन संधि डायोड का पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में प्रयोग, ठीक है? ऐसे प्रयोग या उपयोग, ऐसे उपयोग लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, उपयोग, ठीक है? इस तरीके से क्वेश्चन भी इसी तरीके से आता है कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। तो अब इसका उत्तर, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में उपयोग। अब ये उपयोग करेंगे तो उसके लिए हमको रचना और क्रियाविधि दोनों लिखनी पड़ेगी। रचना क्या होती है? रचना अभी हम सीखेंगे। रचना से पहले आप ये समझो कि आखिर ये दृष्टकारी होता क्या है। दृष्टकारी क्या है कि एक ऐसा उपकरण जो अल्टरनेटिव वोल्टेज को, यानी कि एसी वोल्टेज को या एसी करंट को किसमें बदल देता है? डीसी में बदल देता है, या एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने वाले उपकरण को हम दृष्टकारी या रेक्टिफायर कहते हैं, ठीक है? रेक्टिफायर समझ में आ गया। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, वो अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में थी, ये पूर्ण तरंग दृष्टकारी है। इसकी रचना देखिए, रचना समझते हैं हम। देखो पूरी थ्योरी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी फिलहाल आप समझिए, एक एक टॉपिक को, एक एक बात को ध्यान से समझना, बारीकी से समझना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या होता है इसमें रचना? रचना में क्या है देखिएगा, ये एक ट्रांसफार्मर की कुंडलियां हैं। ये एक कुंडली है, एक ये कुंडली है, P1 P2 कुंडली, यानी कि ये आपकी प्राथमिक कुंडली है, ठीक है? इसका नाम क्या है? ये है आपकी प्राथमिक कुंडली है, और ये क्या है? ये वाली जो है आपकी, ये है द्वितीयक कुंडली। ध्यान समझ लेना, ये है आपकी द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली यानी कि सेकेंडरी कॉयल, S1 H2, ये दो सिरे हैं सेकेंडरी कॉयल के। ये P1 P2 यानी ये प्राइमरी कॉयल थी ये वाली, तो इसके सिरे P1 P2 हैं, यानी P1 P2 हालांकि यहाँ पे होने चाहिए, बात वही है, उसको तार को लंबा कर दिया ये, ठीक है? अब इसकी रचना से देखिए, आपको देखने मात्र से ही पता चल रहा है ये क्या है। D1 क्या है? ये अपने आप में एक पीएन संधि डायोड है, जिसका ये जो डार्क त्रिभुजा बना हुआ है ये पी सिरा होता है, और जो लाइन जो होती है एक सीधी डंडा सा खिंचा हुआ, ये आपका एन सिरा होता है, ठीक है? अब हमको समझ में आ गया। और इसमें D1 D2 यानी दो पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड यानी D1 D2 दो पीएन संधि डायोड है, एक सेकेंडरी कॉयल है, एक प्राइमरी कॉयल है, एक ये आपका इनपुट है यानी कि निवेशी वोल्टेज स्रोत है, निवेशी वोल्टेज यानी यहाँ से हम इनपुट देंगे, और आउटपुट हम हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जब भी पढ़ोगे आप, BSc या MSc या BTech जिस भी क्षेत्र में आप जाओगे, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम कभी भी आउटपुट लेते हैं वो हमेशा लोड प्रतिरोध के सिरों पर लेते हैं। तो आउटपुट यहाँ से मिलेगा लोड प्रतिरोध, नहीं निर्गत वोल्टेज, ये निवेशी इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है? आउटपुट यहाँ से लिया जाएगा। ये पूरा चित्र है। अब चित्र को लिखना कैसे है बोर्ड में, वो समझ लीजिए। जब पेपर में आप थ्योरी लिखोगे तो हर बारीकी बारीकी चीज़ों को ध्यान रखना है, ध्यान में रखते हुए थ्योरी लिखना कैसे। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास ये चित्र है, इसको ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे क्या है, ये निवेशी वोल्टेज यानी कि इनपुट है। इनपुट किस चीज़ से जुड़ा हुआ है? ये आपका एक जब कॉयल होती है तो वो ट्रांसफार्मर की कॉयल है। ये ट्रांसफार्मर कैसा, एक कम से ज़्यादा की तरफ यानी इनपुट से आउटपुट की तरफ देखो, इसमें कम फेरे यानी प्राथमिक कुंडली में कम फेरे हैं और इसमें द्वितीय कुंडली में ज़्यादा फेरे हैं। तो ये क्या है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है यानी नीचे से ऊंचे की तरफ जा रहा है, अर्थात कम से ज़्यादा की तरफ जा रहा है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली हो गई, ये द्वितीय कुंडली हो गई। ये प्राथमिक कुंडली के दो सिरे हैं P1 P2, ये द्वितीय कुंडली के दो सिरे हैं S1 S2। इसमें क्या है, एक पीएन संधि डायोड लगा हुआ है D1, एक दूसरा डायोड लगा हुआ है D2। ये पीएन संधि डायोड का पी सिरा है, ये एन सिरा है, इसमें ये पी सिरा है, ये एन सिरा है। तो अब ध्यान से देखोगे इसकी थ्योरी किस तरीके से लिखनी है, जरा ध्यान से समझो, ठीक है? एक बार समझ लोगे तो कभी भी लिख दोगे जिंदगी में, ठीक है? देखिए, इसमें एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे को निवेशी वोल्टेज से जोड़ देते हैं।
समझ में आ गई, एक पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। इसको घुमा के कैसे भी लिख सकते हो, इसमें उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पी कुंडली को निवेशी वोल्टेज से जोड़ देते हैं, या ऐसे बोल दीजिए इसमें निवेशी वोल्टेज को उच्चाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली के सिरे P1 व P2 से जोड़ देते हैं। पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये यहां की बात खत्म होगी, यहां तक पहुंच गए। अब दूसरे वाले सिरे में चलेंगे, इसमें द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे से PN संधि ड्रायोड D1 के P सिरे से जोड़ देते हैं। इसमें द्वितीयक कुंडली के S1 सिरे को PN संधि डायोड D1 के P सिरे से जोड़ देते हैं, तथा इसके इस द्वितीयक कुंडली के दूसरे सिरे S2 को दूसरे डायोड D2 के P सिरे से जोड़ देते हैं, तथा दोनों डायोडों के N सिरे को एक तार द्वारा लोड प्रतिरोध से जोड़ देते हैं। दोनों डायोडों के N सिरे को एक तार द्वारा लोड प्रतिरोध RL से जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज को या निर्गत वोल्टेज को RL के सिरों से प्राप्त किया जाता है। बस तो ये आपके 4-5 लाइन है, एक एक लाइन करके आप देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये आपकी रचना होगी, बस इतना करना, चित्र आपको बन गया, रचना आपको समझ में आ गई। अब क्रियाविधि करेंगे। क्रियाविधि करने से पहले 2-3 बातों का ध्यान से समझ लीजिएगा। जब PN संधि डायोड के P सिरे को पॉजिटिव से और N सिरे को नेगेटिव से जोड़ते हैं तो वो डायोड कैसा रहेगा, अग्रम्यत हो जाता है। ये PN संधि डायोड है, P टाइप क्रिस्टल पॉजिटिव से और N टाइप जब नेगेटिव से जुड़ता है तो वो अग्रम्यत हो जाता है और इसमें धारा बहती है, इसमें धारा का फ्लो होता है, ठीक है। जब PN संधि डायोड के P सिरे को नेगेटिव से और N सिरे को पॉजिटिव से, यानी कि P4 पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं तो ये उल्टा हो गया, यानी उत्क्रम अभिनत हो जाता है और इसमें धारा नहीं बहती है। इन दोनों बातों को याद रखिएगा। धारा कब बहती है, जब डायोड अग्रअभिनत होता है। अग्रअभिनत कब होता है, जब पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव से जुड़ता है, ठीक है। चलिएगा, अब आते हैं अपने इस पर। ये हमारे पास इनपुट है, ये क्या है, हमारे पास इनपुट है, इनपुट है, ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक है। चलिएगा, अब क्रियाविधि करते हैं, ध्यान से समझे, एक एक चीज समझ में आएगी आपको। प्रत्यावर्ती, ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले धनात्मक, क्योंकि ये ऊपर की साइड में ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा पॉजिटिव, S1 सिरा पॉजिटिव और S2 सिरा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है भाई। जब पॉजिटिव साइकिल जब इसमें एंटर करेगी इनपुट में, तो ये वाला सिरा पॉजिटिव और ये, जब ये पॉजिटिव है तो नीचे वाला हमेशा विपरीत रहेगा, ठीक है। तो जब पहली धनात्मक साइकिल जाएगी इसके अंदर तो क्या होगा कि ये S1 सिरा धनात्मक हो जाता है और S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। तो पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले धनात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे D1 सिरा या D1 डायोड अग्रअभिनत और D2 डायोड उत्क्रम अभिनत हो जाता है। अब समझ में आ गया अग्रअभिनत क्यों हुआ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव सिरा जब पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये अग्रअभिनत होगा और ये नेगेटिव है, नेगेटिव सिरा जब पॉजिटिव से जुड़ेगा तो ये कैसा हो जाएगा, उत्क्रम अभिनत हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि अब के D1 धारा तो धारा प्रवाहित करेगा, ठीक है, और D2 धारा प्रवाहित नहीं करेगा। यही सेम कंडीशन अगले चक्र के दौरान होती है, जैसे ही जब ऋणात्मक अर्धचक्र इसमें प्रवेश करता है तो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव से जुड़ेगा तो अब के ये उत्क्रम अभिनत हो गया, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा,
अग्रवनित हो जाएगा, तो इसके द्वारा धारा बहेगी। तो मतलब क्या है कि एक बार इससे धारा, एक बार इससे, तो दोनों धारा लगातार देते रहते हैं, तो लगातार इसमें धारा का फ्लो बना रहता है। ठीक है, ये है इसकी क्रियाविधि। तो अब इसकी क्रियाविधि आपको समझ में आ गई होगी कैसे, कि जब हमारा ये धनात्मक चक्र इसमें प्रवेश करता है पहला वाला, तो ये प्रवेश किया तो ये पॉजिटिव हुआ, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव होने के कारण ये क्या हो जाएगा, अग्र अभिनत हो जाएगा, ये उत्क्रम अभिनत हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव सिरा हो जाएगा फिर। तो इससे धारा नहीं बहेगी, धारा किससे बहेगी, इससे बहेगी धारा, इससे इस तरीके से धारा बहती है, इस तरीके से और इस तरीके से, और ये इस तरीके से इसमें धारा फ्लो होने लगती है। ठीक है, और जैसे ही जब द्वितीयक सिरा जब इसमें आ जाता है, जब जब इसमें द्वितीयक द्वितीयक ऋणात्मक सिरा जैसे ही इसमें प्रवेश करता है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाता है। तो अब की बार ये सिरा उत्क्रम अभिनत हो गया, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ये कैसा हो जाएगा आपका, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ा है, अग्रवनित हो जाएगा, अग्रवनित। अब की बार इससे धारा बहेगी इस तरीके से, ये धारा ऐसे बहने लगती है। तो मतलब क्या है कि दोनों चक्र फिर ऐसे ही, फिर तीसरा धनात्मक अर्ध चक्र जाएगा, तो फिर ये अग्रवनित, फिर एक बार ये अग्रवनित, इसी तरीके से बार 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 धारा चलती रहती है। तो जब इसके द्वारा गया तो ये इसके द्वारा हमको धारा मिल गई ऐसे, ठीक है, फिर ये दूसरा गया तो दूसरा के द्वारा, यानी कि ये धारा अनुमत करेगा, तो इसके द्वारा आपके खाली नहीं, इसके द्वारा भी हमको धारा मिल जाएगी, ऐसे ही तीसरे के द्वारा हमको धारा मिल जाएगी, तो ऐसे ही अब चौथे के द्वारा हमको धारा मिल जाएगी, इसी तरीके से हमको बार 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 धारा मिलती रहती है, और यही धारा लगातार फ्लो में आती रहती है। तो इसीलिए ये एक पूर्ण तरंग के भांति व्यवहार करता है, क्योंकि इसके दोनों तरंगों से हमको वोल्टेज प्राप्त होता रहता है। ठीक है, चलिए आप क्रियाविधि लिखते हैं एक एक बार समझ के। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के अर्ध पहले धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड PN संधि डायोड D1 अग्रविनत और डायोड D2 उत्क्रम अभिनत हो जाता है। डायोड D1 अग्रविनत होने के कारण धारा अनुमत करता है, जबकि डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होने के कारण धारा को अनुमत नहीं करता है। अतः डायोड D1 से धारा मिलती है, जिसको निर्गत वोल्टेज यानी जिसको लोड प्रतिरोध के सिरों पर प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये वोल्टेज हमको प्राप्त हो गया, तथा दूसरे ऋणात्मक अर्धचक्र के दौरान S1 सिरा धनात्मक ऋणात्मक और S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है, जिससे डायोड D1 उत्क्रम अभिनत और डायोड D2 अग्र अभिनत हो जाता है। इस स्थिति में डायोड D1 धारा अनुमत नहीं करता, जबकि डायोड D2 धारा को अनुमत करता है। अतः लोड प्रतिरोध के सिरों पर डायोड D2 के द्वारा वोल्टेज प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो गया दूसरे सिरे के लिए। तथा फिर यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है, क्योंकि फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा नीचे वाला आएगा, इसी तरह तथा यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे लगातार निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता रहता है। अतः जब दो डायोड लगे होते हैं, जब द्वितीय कुंडली से दो डायोड जोड़ दिए जाते हैं, तो वह पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में कार्य करते हैं, या पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है, बस जो पूर्ण तरंग के लिए क्या होते हैं, वोल्टेज देते रहते हैं, बस ये आपकी क्रियाविधि होगी पूरी खत्म। तो ये आपका बना लेना है चित्र, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इससे ईजी और इससे अच्छा आपको नहीं मिलेगा। हर चीज़ आपको समझाई है, हर चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से समझाई है, आप इसको कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।